2023 चल रहा है और अभी भी लोग इंटरव्यू के इस एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के वही क्लिशे या किसे पिटे आंसर्स दे रहे हैं जो आज से 20 साल पहले शायद एक्सेप्ट कर दिए जाते होंगे। वैसे मैं आप सबको क्या बोलूं, एक सच्ची बात बताऊं, एज अ फ्रेशर जब मुझसे ये क्वेश्चन मेरे पहले इंटरव्यू में पूछा गया था तब मैं भी इसका कोई भारी इफेक्टिव आंसर नहीं दे पाया था। माई स्ट्रेंथ्स आर माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल टास्क, लीडरशिप एबिलिटी एटसेट्रा, वाइल माई वीकनेस इज दैट आई गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड इफ माई वर्क डेडलाइंस आर नॉट मेट, और शायद कुछ इस तरह का ही बोला था मैंने। अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर तो ठीक ठाक ही लग रहा है और इससे बेटर एक फ्रेशर क्या ही बता सकता है। वेल, मैं वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया था। नाउ यू माइट आस्क, क्या ये जरूरी है कि इस आंसर को इफेक्टिवली ना दे पाना ही मेरे रिजेक्शन का रीजन था? तो भाई हाँ, मेरे इंटरव्यूअर ने बाद में मुझे फीडबैक दिया था और बताया था कि इस टेम्पलेट बेस्ड आंसर से दे कुड नॉट नो अ सिंगल थिंग अबाउट माय स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। इसको डिटेल में समझेंगे कुछ ही देर में और मैं आपको दूंगा कुछ प्रो टिप्स जो आई बेट आप पहली बार सुनेंगे, और आपको ऐसी टेक्निक्स कहीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये कोई कॉपीड वीडियो स्क्रिप्ट नहीं है बट मेरा अपना 100% ओरिजिनल एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। सो व्हाट इज एन इंटरव्यूअर्स इंटेंशन बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड व्हाट्स द बेस्ट वे टू आंसर, व्हाट मस्ट यू नेवर से, एंड ऑफ कोर्स सम सैंपल आंसर्स, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। इंटरव्यूअर्स आपसे ये इसीलिए पूछते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को कितना अच्छी तरह जानते हैं, कितने सेल्फ अवेयर हैं और उसके बारे में कितने ऑनेस्ट भी हैं। उन्हें आपकी स्ट्रेंथ्स जाननी है ताकि वो ये देख सकें कि आप इस रोल में कितना सूटेबल हैं, और वो देखना चाहते हैं कि आप अपनी वीकनेसेस को कितना समझते हैं और कैसे हैंडल करते हैं। मोर ऑन दैट लेटर। सो बेसिकली ये उन्हें आपकी पर्सनैलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में एक फेयर आइडिया देता है। तो आइए सबसे पहले स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ्स जैसा आप जानते ही हैं वो एरियाज होते हैं जहां आप कंफर्टेबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं एंड यूजुअली अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। अब पॉसिबल है कि आपको लगता हो आपके पास कई सारी स्ट्रेंथ्स हैं, बट ये आंसर प्रिपेयर करते टाइम आपको सिलेक्ट करनी है टॉप 2 या मैक्स 3 स्किल्स जिसके बारे में आप उनको बताएंगे, और वो कौन से टॉप 2 या 3 स्किल्स हैं ये डिपेंड करेगा उस रोल पर जिसके लिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं। कीप इट सिंपल एंड इफेक्टिव। सो प्रो टिप फॉर स्ट्रेंथ्स, और इसको ध्यान से सुनिएगा, जो भी ये टॉप स्ट्रेंथ्स आप हाईलाइट करने वाले हैं उनसे आप अपना आंसर स्टार्ट नहीं करेंगे। क्या? रुको जरा, सब्र करो। आपको स्टार्ट करना है किसी प्रोजेक्ट, चैलेंज या टास्क से विच यू टुक अप एंड रियलाइज्ड योर स्ट्रेंथ एज अ पार्ट ऑफ इट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इन माय लास्ट पोजीशन और इन अ प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, इफ यू वर अ फ्रेशर, आई वाज असाइन्ड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ 2 टीम मेंबर्स टू गाइड देम, मैनेज देयर टास्क्स एंड डिलीवर द प्रोजेक्ट वेयर वी लॉन्च्ड आवर रीब्रांडेड वेबसाइट ऑन टाइम एंड अंडर द असाइंड बजट दैट ईयर। And that is where I realize my leadership skills is one of my top strengths. Up, obviously, I have made this example up for you to know. And you will need to prepare a customized answer based on your profile. But more importantly, क्या आपने notice किया कि यहाँ आपने पहले उस skill को कहाँ और कैसे demonstrate किया है वो बताया and बाद में उसको highlight किया। ये एक बेहतरीन technique है अपनी strength को credible और impressive तौर पे present करने के लिए। Again, just ensure कि जो भी strength आप highlight करें वो उस job की required skills में जरूर हो, और यही आपके job offer को ensure करने में होगी one of the biggest reasons. अब बात करते हैं how to tell them about your weaknesses. देखिए, अगर आपने वीकनेसेस कन्वे करने में जरा सी भी भूल की तो समझिए 99% ऑफ द टाइम्स आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। बट गुड न्यूज इज, ये एक बहुत ही सिंपल टू मास्टर आंसर होता है। तो देखते हैं किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्टली, लेट मी बर्स्ट अ कॉमन मिथ जो जनरली लोगों को लगता है अराउंड टॉकिंग अबाउट देयर वीकनेसेस। अब क्योंकि ये आपकी कमजोर कड़ी या मोस्ट वल्नरेबल सेल्फ को हाईलाइट कर सकता है, आप इसको डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अब इस इनसिक्योरिटी को शील्ड करने के लिए कई सारे सो कॉल्ड इंटरव्यू कोचेस आपको बताते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को एज अ वीकनेस हाईलाइट कर दीजिए। जैसे इंटरव्यूअर तो बेवकूफ है, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा और वो सोचेगा कि आप उसके बेस्ट कैंडिडेट हैं जिसकी स्ट्रेंथ्स तो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस भी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, और वो इस जॉब में आके उसकी जॉब को चार चांद लगा देगा। इफ यू थिंक दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, Well, you should wake up and smell the coffee. मैंने कहा ना, इस तरह की strategy शायद किसी जमाने में चलती होंगी। आज सब लोग smart हैं and they can see right through your real self when you try to be over smart. उल्टा ऐसे answers एक negative impression convey करते हैं। Speaking of negative impression, the biggest blunder you can do while answering this question is to say that you do not have a weakness.
मेरे पास हिसाब नहीं है कि कितनी बार इंटरव्यूज लेते टाइम ऐसे कैंडिडेट्स मिले जिन्होंने बताया कि उनकी कोई वीकनेसेस ही नहीं है। अब देखिए, मैं तो इतने परफेक्ट कैंडिडेट्स को हायर नहीं करता हूँ, पर अगर आप इंटरव्यूअर हो और करना चाहेंगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। एनीवे, लेट मी रीइटरेट, वीकनेसेस पूछने के पीछे एक इंटरव्यूअर की इंटेंशन ये जानना है कि आप सेल्फ अवेयर और ऑनेस्ट हैं या नहीं, एंड ऑफ कोर्स आप इस वीकनेस के बारे में क्या कर रहे हैं। दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पार्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो नेवर्थलेस, हाउ टेल देम अबाउट योर वीकनेसेस एज अ निंजा। अब सवाल देखिए फिर वही आ गया कि कौन सी वीकनेसेस हमें उन्हें बतानी चाहिए, क्योंकि हम सबके अंदर जैसे मल्टीपल स्ट्रेंथ्स होती हैं वैसे ही मल्टीपल वीकनेसेस भी होती हैं, राइट? तो जो हमने स्ट्रेंथ्स के केस में किया था, यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा करना है। आपको वो वीकनेसेस उठानी है जो इस जॉब से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है या नॉन क्रिटिकल है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, बट हर केस में तो ये पॉसिबल नहीं होता। कई बार आपकी वीकनेसेस उस जॉब की रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं, तो उसके लिए मैं देता हूँ आपको प्रो टिप नंबर 2, विच इज इंक्लूडिंग द वर्ड हाउएवर इन योर आंसर। तो अब अपने आंसर के फर्स्ट पार्ट में एक्नॉलेज कीजिए अपनी उस वीकनेस को, सून फॉलोड बाय द वर्ड हाउएवर, एंड देन इन द सेकेंड पार्ट बताइए कि आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं। आइए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आई एम जनरली नॉट टू ऑर्गेनाइज्ड इन मैनेजिंग माय टास्क, हाउएवर आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अ टास्क मैनेजमेंट ऐप ट्रेलो दैट हैज हेल्प मी स्टे ऑन टॉप ऑफ माय टास्क एंड बी प्रोडक्टिव। चलिए देखते हैं इसका एक और एग्जांपल। सिंस आई फील आई वर्क बेस्ट अंडर प्रेशर, आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद प्रोक्रेस्टिनेशन अंटिल अ फ्यू मंथ्स अगो। However, I have recently come across a strategy of breaking large assignments into smaller milestones and focus on achieving each milestone with mini deadlines. This has served me very well. अब यहाँ इंटरव्यूअर को आपने honestly अपनी weaknesses बता भी दी और साथ में ये भी convey कर दिया कि आप अपनी कमजोरियों से भागते नहीं हैं, बल्कि उन्हें solve करने के लिए creative तरीके अपनाते हैं। तो इन strategies को अपने next interview में जरूर try करना और मुझे comments में बताना कि ये कैसी लगी। और यार share करो इनको अपने friends और relatives के साथ जिन्हें इस नॉलेज से थोड़ा बेनिफिट मिल सकता हो। अब देखिए, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है एंड मार्केट्स आर गेटिंग टफर, सो इट इज एसेंशियल दैट यू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिकली फॉर योर इंटरव्यूज एंड ऑफ कोर्स गेट द जॉब यू डिजर्व। तो अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन की टॉप 4 निंजा टेक्निक्स देखनी है तो देखिए ये वाला वीडियो, और इंटरव्यूअर को देना है एक इंप्रेसिव आंसर टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन का, तो देखिए ये वाला वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। मुझे उम्मीद है कि आज आपने फिर कुछ नया सीखा होगा और इस लर्निंग को अप्लाई करके यू विल अनलॉक द 2.0 यू। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ब्लूम एंड इवॉल्व।